डॉक्टर महेंद्र भगत एमवीसी वेट आपका स्वागत करता हूं। आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं आज। आप हमेशा पूछते रहते कि पार्वो जो है उसका रिकवरी डाइट क्या होता है, तो उसमें मैं बताना चाहता हूं। हर वेट्स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बहुत ही सिंपल रिकवरी डाइट है। पहला तो जो भी डाइट रिकवरी डाइट जो लेते हैं, तो जब पार्वो होने से पहले जो डाइट देते हैं उसी डाइट पर अपने को लेके आना है फर्स्ट, क्योंकि अगर डाइट हम चेंज करते हैं तो उसका पूरा सिस्टम चेंज होता है। केनाइन फैमिली में जब भी डाइट सडन चेंज करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके कॉम्प्लिकेशन आते हैं, इनडाइजेशन होता है। तो आप स्टार्ट कैसे करें वापस, ये महत्वपूर्ण होता है इसमें। तो स्टार्ट फर्स्ट तो हम जैसे ही पारो रिकवर हो जाता है तो हम उसको पानी देते हैं। जैसे ही हम पानी देते हैं तो पानी अगर पीता है तो पानी कितनी मात्रा में देते हैं, 2 या 3 चम्मच देते हैं। अगर पानी पीने के बाद उसको वॉमिटिंग नहीं हो रही है, नॉर्मल है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर वॉमिटिंग हो रही है तो सडन पूरा प्रोटोकॉल जो स्टार्ट करने का है वो हम स्टॉप कर देते हैं। दूसरा, अगर हम पानी देने के बाद अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही है तो हम उसको कर्ड या दही देते हैं। दही देने से अगर वॉमिटिंग नहीं होती है तो हम थर्ड स्टेज की ओर जाते हैं। थर्ड स्टेज में हमारा रहता है एक सेरेलेक रहता है, या फिर उसकी जो नॉर्मल डाइट हम देते थे पहले उसका बिल्कुल ही लाइट रूप लेके लेते हैं। जैसे मान लो पहले हम सेरेलेक देते हैं तो सेरेलेक को डाइल्यूट करके, पानी में डाइल्यूट करके हम देते हैं तो वो ले सकते हैं। पहले हम दलिया वगैरह देते हैं तो उसको डाइल्यूट करके दे सकते हैं। जो पहले हम अगर राइस वगैरह देते थे हो, या राइस हो तो राइस वाटर देते हैं, या पहले चिकन देते थे तो अगर चिकन सूप देते हैं, तो इस तरह जो जिस डाइट लेते हैं कि वो उसको इजी पाचन हो जाए, ये रिकवरी डाइट में लेते हैं। फिर नॉर्मल जो पुराना डाइट है उसी में ले आते हैं। तो बहुत ही यूनिक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी डाइट बनाते हैं, लेकिन जो है नई डाइट है उसके लिए तो वो दिक्कत करेगी, स्वाभाविक है। तो आप जो पुरानी डाइट जो पारो होने से पहले थी उस पर आप डाइट पे ले जाए, ना कि आप नई डाइट चालू करें उसकी। नई डाइट जरूर कुछ कंपनी के आते हैं, रिकवरी फूड वगैरह आते हैं, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते हैं। हम तो वही प्रेफर करते हैं जो पारो होने से पहले दिया जाता था और पारो होने के बाद भी उसी को वापस ले आते हैं। धन्यवाद।